आज के इस वीडियो में हम आपको त्योहारों के सीजन में मालामाल बनने के कुछ बिजनेस आइडियाज की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपना बिजनेस जरूर शुरू करें और खूब कमाई भी करें। दिवाली के त्योहार में किए जाने वाले बिजनेस। दिए बनाने का बिजनेस। दिवाली में लोग अपने घरों में मिट्टी के दिए जलाते ही हैं और ये खरीदने के लिए वो बाजार जाते हैं और इसकी मांग करते हैं। यदि आपको ये बनाना आता है तो आप इसे बनाकर बाजार में बेचकर दिवाली के समय में आसानी से अच्छी कमाई कर सकते हैं। रंगोली का बिजनेस। दिवाली में लोग अपने घरों में आंगन में विभिन्न रंगों की रंगोली बनाते हैं। आप दिवाली के सीजन में रंगोली का व्यवसाय शुरू करके पैसा कमा सकते हैं। लाइटिंग का बिजनेस। दिवाली में लोग अपने घरों एवं कार्यालयों में लाइटिंग लगवाते हैं। आप कुछ होममेड लाइट या सस्ती लाइट बेचने का व्यवसाय करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। पूजा की सामग्री। त्योहार कोई भी हो, हर त्योहार में भगवान की पूजा की जाती है। आप पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे कि रोली, चंदन, हल्दी, पान सुपारी, जनेऊ आदि और भी बहुत सी चीजें आदि बेच सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक त्योहार में कुछ न कुछ अतिरिक्त चीज की आवश्यकता होती ही है। आप उसे भी बेचने का व्यवसाय करके बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। होली के त्योहार में किए जाने वाले बिजनेस। होली का त्योहार रंगों का त्योहार होता है। इस समय में सबसे ज्यादा व्यवसाय प्राकृतिक रूप से बनाए गए रंग, गुलाल एवं प्लास्टिक की पिचकारियां आदि का बिजनेस करना काफी लाभकारी होता है। आप इन्हें बाजार में थोक में खरीदकर खुद की दुकान लगाकर बेच सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में किए जाने वाला बिजनेस। भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के दिन लोग अपने घरों में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। उनके लिए नए कपड़े, मुकुट, बांसुरी आदि चीजें लेकर आते हैं। आप जन्माष्टमी के त्योहार में भगवान के कपड़े एवं और भी पूजा के दौरान उपयोग होने वाली चीजों को बाजार में थोक में खरीदकर रिटेल में बेचने का बिजनेस करके कमाई कर सकते हैं। राखी के त्योहार में किए जाने वाला बिजनेस। राखी के त्योहार में लोग राखी बनाकर बेचने का बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस में इस सीजन में काफी कमाई होती है। रेशम के धागे से बनी राखी लोगों को ज्यादातर पसंद आती है। आप अपने घर में ही राखी बनाकर उसे बेचने का काम कर सकते हैं। राखी के साथ ही आप रुमाल, मेहंदी आदि और भी सामान रखकर उसे बेचकर कमाई कर सकते हैं। गणेश उत्सव एवं नवरात्रि के समय किए जाने वाला व्यवसाय। गणेश चतुर्थी के दिन से गणेशोत्सव की शुरुआत होती है। लोग अपने घरों में गणेश जी की स्थापना करते हैं। ऐसे में वो प्राकृतिक रूप से मिट्टी के बने गणेश जी अपने घर पर स्थापित करते हैं। आप गणेश जी की मूर्ति बनाने का बिजनेस करके इन दिनों में काफी अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में लोग अपने घरों में तो नहीं पर गली मोहल्ले या फिर मंदिर में दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। नवरात्रि के समय लोग गरबा आदि भी बहुत करते हैं, तो आप गरबा वाले कपड़े एवं अन्य चीजें भी बेचने का बिजनेस करके अच्छी खासी तगड़ी कमाई कर सकते हैं। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।